सद्दाम हुसैन के अंतिम दिनों में उनके सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनके साथ रहे 12 अमेरिकी सैनिक उनके आखिरी वक्त के सबसे अच्छे मित्रों में से थे। सद्दाम के अंतिम दिनों में 551 मिलिट्री पुलिस चुने गए। 12 सैनिक सुपर 12 के नाम से जाने जाते थे। इनमें से एक सैनिक थे विल वार्डन वर्पर। बाद में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रिजनर इन हिज पैलेस, अमेरिकन गार्ड एंड व्हाइट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेट। इस किताब में उन्होंने सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों से संबंधित बातों को दुनिया के सामने रखा। भले ही दुनिया सद्दाम को क्रूर तानाशाह मानती हो, लेकिन इन सैनिकों ने सद्दाम का जो रूप देखा है उसके बाद वार्डन वर्पर कहते हैं कि जब सद्दाम को फांसी दी जा रही थी उस दौरान सुपर 12 की आंखों में आंसू थे। आखिर सद्दाम के किरदार में वो कौन से रंग थे जिन्होंने सुपर 12 को प्रभावित किया? आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जो नजर से नजरिए को कनेक्ट करती है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। अपनी किताब में वार्डन वर्पर ने एक साथी एडम रोजेशन के शब्दों में बताते हैं कि उन्होंने सद्दाम को कभी भी मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल की तरह कभी नहीं देखा, बल्कि उन्हें तो सद्दाम हुसैन में अपने ग्रैंडफादर की तस्वीर नजर आती थी। सद्दाम हुसैन के ऊपर अपने 148 विरोधियों की हत्या का आदेश देने का आरोप था। सद्दाम हुसैन ने जेल में अपने अंतिम दिन म्यूजिक सुनते हुए बिताए। उन्हें अमेरिकी सिंगर मेरी जे प्वाइला के गाने बहुत पसंद थे। सद्दाम हुसैन जिस कबाड़ बाइक पर एक्सरसाइज किया करते थे वो उसे पोनी कहकर बुलाते थे। खाने पीने के मामले में सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत पसंद है। वो हमेशा मॉफिन की तलाश करते रहते थे। सद्दाम हुसैन अपना ब्रेकफास्ट भी एक साथ नहीं करते थे। सबसे पहले वो अंडों का ऑमलेट खाना पसंद करते थे। उसके बाद उनके मॉफिन खाने का टाइम होता था और सबसे आखिरी में वो ताजे फल खाया करते थे। सद्दाम हुसैन का ऑमलेट अगर गलती से टूट जाया करता था तो फिर वो उसे नहीं खाते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सद्दाम हुसैन अपने करीब रहने वाले लोगों से बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आते थे। वो उनके साथ बहुत शालीनता से व्यवहार किया करते थे। उनके इस व्यवहार को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अपने जमाने के दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह में से एक थे। फिडेल कास्त्रो ने सालों पहले सद्दाम हुसैन को कोहिबा सिगार पीने की आदत डलवाई थी। कोहिबा सिगार पीने के शौकीन सद्दाम हुसैन अपने फेवरेट सिगार को सफेद वाइप्स के भीतर रखना पसंद करते थे। सद्दाम हुसैन बागवानी के बड़े शौकीन थे। वो जेल के परिसर में मौजूद ऐसी झाड़ियों का भी बड़ा ख्याल रखते थे जो अनवांटेड होती थी, जिन्हें अक्सर काट कर फेंक दिया जाता था। वो उन्हें भी एक फूल की तरह मानते थे। बातों बातों में सद्दाम हुसैन ने एक बार अपने बेटे उदय हुसैन की क्रूरता की एक घटना के बारे में बताया, जिसके अनुसार उदय ने एक पार्टी के दौरान फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने बेटे उदय की सभी कारों को आग लगाने का आदेश दे दिया। जब उदय हुसैन की रोल्स रॉयस और महंगी महंगी गाड़ियां जल रही थी, तब सद्दाम हुसैन उन्हें देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। ये घटना बताते हुए वो ठहाका लगा रहे थे। एक सैनिक ने सद्दाम हुसैन से बताया कि उनके भाई की मौत हो गई है। तब सद्दाम हुसैन ने उसे अपनी बाहों से पकड़ते हुए कहा कि आज से तुम मुझे ही अपना भाई मान लेना। इतना ही नहीं, सद्दाम हुसैन ने एक सैनिक से ये बात भी कही कि यदि उन्हें उनके पैसों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई तो वो उस सैनिक के बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाना चाहेंगे। अपनी किताब में बिल वार्डन वर्पर लिखते हैं कि सद्दाम के करीब रहने वाले सैनिकों में से एक थे 20 साल के डॉसन। सद्दाम हुसैन ने उन्हें अपना एक सूट दिया। डॉसन उस सूट को पहनकर अक्सर चला करते थे। उनके साथी उन पर हंसते थे क्योंकि डॉसन उस सूट को पहनकर कुछ इस अंदाज में चलते थे जैसे वो किसी फैशन शो में एक मॉडल के तौर पर चल रहे हो, रैंप पर कैटवॉक कर रहे हो। बीतते समय के साथ ही सद्दाम हुसैन और उनकी सिक्योरिटी में लगे सैनिक के बीच के संबंध बेहतर होते जा रहे थे। उनके बीच की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, जबकि अथॉरिटी की तरफ से सैनिकों को ये आदेश था कि वो हमेशा सद्दाम हुसैन से एक दूरी बनाकर रखें। लेकिन सद्दाम हुसैन और उनके सिक्योरिटी गार्ड के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका था। अपने पूरे मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन को कुल 2 जेलों में रखा गया। इनमें से एक था बगदाद में मौजूद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का तहखाना। बगदाद के नॉर्थ साइड में एक आयरलैंड मौजूद था। उस आयरलैंड में सद्दाम हुसैन का अपना एक महल हुआ करता था। यही महल उनके अंतिम दिनों के ठिकाने में से एक था। इस महल तक पहुंचने के लिए केवल एक ही जरिया था और वो एक पुल था। अपनी किताब में वार्डन वर्पर लिखते हैं,
कि सद्दाम हुसैन को उन्होंने उतना तो नहीं दिया जितने कि वो हकदार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सद्दाम हुसैन की ग्लोरी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके सम्मान को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाई। स्टीव हंचिसन, क्रिस टास्कर के जैसे दूसरे सैनिकों ने मिलकर एक स्टोर रूम को सद्दाम हुसैन के दफ्तर के तौर पर तैयार किया। पुराने कबाड़ से ढूंढकर एक टेबल लाई गई और उसके साथ ही चमड़े के कवर वाली एक कुर्सी का भी इंतजाम किया गया। मेज के ऊपर इराक का एक छोटा सा झंडा लगाया गया। कुल मिलाकर सद्दाम हुसैन को उनके पुराने दिनों वाली गुडनेस की याद दिलानी थी। वार्डन वर्पर अपनी किताब में लिखते हैं कि इस पूरी कवायद के पीछे एक ही उद्देश्य था कि सद्दाम हुसैन को जेल के भीतर भी एक राष्ट्राध्यक्ष वाला फील दे सके। जब सद्दाम हुसैन उस कमरे में एंट्री हुए तो एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने मेज पर जमी धूल को साफ करना शुरू किया। सद्दाम हुसैन जब उस कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने इस पूरे जेस्चर को नोटिस किया और मुस्कुराने लगे। इसके बाद सद्दाम हुसैन रोज उस कुर्सी पर आकर बैठा करते थे। इसके बाद सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी में लगे सैनिक ठीक उनके सामने बैठ जाया करते थे। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सद्दाम हुसैन अपना दरबार लगा रहे हो। इस दौरान सभी सैनिक इस बात की पूरी कोशिश करते थे कि सद्दाम हुसैन को पूरी तरह से खुश रखा जाए। इस दौरान सद्दाम हुसैन खुद भी माहौल को खुशनुमा बनाए रखते थे, सैनिकों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। ऐसे कई सैनिक थे जिन्होंने वार्डन वर्पर को बताया कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उस दौरान अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सद्दाम हुसैन उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते। वार्डन वर्पर बताते हैं कि सद्दाम हुसैन को जब भी मौका मिलता था तो अपनी सिक्योरिटी में लगे सैनिकों से बातचीत करते थे और उनसे उनके फैमिली मेंबर्स की कुशलता के बारे में जानकारी लेते थे। इस किताब की जो सबसे हैरान कर देने वाला पोर्शन था वो ये था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते थे और जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई उस समय उनकी सिक्योरिटी में इन सभी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद शोक मनाया था। इन्हीं सैनिकों में से एक एडम रोजरसन ने विल वार्डन वर्पर को बताया कि सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्होंने सद्दाम के साथ गद्दारी की है। उन्हें न जाने क्यों गिल्ट फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस व्यक्ति को मार दिया जो उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ था। सद्दाम की फांसी के बाद जब उनके शव को बाहर लाया गया तो वहां मौजूद लोगों ने उनके शव पर थूक दिया, उसके साथ बदतमीजी की। वार्डन वर्पर लिखते हैं कि सद्दाम के शव के साथ ऐसा सलूक होता हुआ देखकर सुपर 12 के सभी सैनिक हैरान रह गए। इनमें से एक व्यक्ति को लगा कि वो भीड़ से दो दो हाथ कर सकता है। उसने कोशिश की लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। इन्हीं सैनिकों में से एक स्टीव अचिनसन ने सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सेना से रिजाइन कर दिया। ये सैनिक फिलहाल जॉर्जिया में है और बंदूक और टैक्टिकल ट्रेनिंग का काम किया करता है। इन्हें आज भी इस बात का रंज है कि उन्हें सद्दाम हुसैन के शव के साथ बदतमीजी करने वालों से उलझने नहीं दिया गया और रोक लिया गया। एडम रॉजर्सन ने वार्डन वर्पर को बताया कि सद्दाम हुसैन ने उनसे कहा था कि उनका किसी स्त्री से प्रेम करने का मन कर रहा है, जब वहां से बाहर निकलेंगे तो शादी जरूर करेंगे क्योंकि अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। साल 2006 के दिसंबर महीने की वो 30 तारीख थी जिस दिन सुबह सुबह 3 बजे सद्दाम हुसैन को जगाया गया और उन्हें ये बताया गया कि उनका फांसी का समय आ गया है। इसके बाद टूटे हुए मन से सद्दाम हुसैन फांसी की तैयारी करने लगे। उन्होंने नहाया धोया और उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या सुपर 12 रात में ठीक से सो पाए। फांसी से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने अपने सिक्योरिटी गार्ड स्टीव हचिनसन को अपने पास बुलाया। लोहे की सलाखों के पीछे से उन्होंने अपने हाथ को बाहर निकाला और अपनी रेमंड व्हील रिस्ट वॉच स्टीव के हाथ में सौंप दी। स्टीव के जॉर्जिया वाले घर में आज भी वो वॉच मौजूद है। सद्दाम हुसैन को गए कई साल हो गए लेकिन उनकी वो घड़ी आज भी चल रही है। हमारे आज की वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।